दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। जैसा कि मैं जब कैमरे के स्क्रीन पर आता हूं तब आपके सामने एक नया विषय लेके आता हूं। आज भी एक आपके सामने एक नया विषय लेके आया हूं। क्या इस देश में गरीब तबके के लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है? आखिर क्यों गरीबों के साथ मजाक किया जाता है? इन सवालों के पीछे आखिर क्या वजह है? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से बड़ी ही स्फूर्ति के साथ कहते हैं कि 2022 तक हर इस देश के लोगों के पास उनका अपना खुद का पक्का मकान होगा, लोगों के सर पर, सभी के सर पर छत होगी, इस देश का नागरिक अब बिना मकान के नहीं होगा। क्या यह मुमकिन है? जहां एक तरफ शहर और महानगरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को महंगे रिहायशी इलाकों में फ्लैट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 से 2.5 लाख के बीच छूट दी जा रही है, ठीक इसी के विपरीत ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तरस रहे हैं। देखिए, इस महिला का मकान पूरी तरह से ढहने की कगार पर आकर खड़ा हो चुका है। हम लोग इस वक्त मौजूद है मोरगांव करके गांव है, जो कि वार्ड नंबर 2 है। यह ज्योत्सना लाड़े करके यह महिला है। यह दलित वर्ग में महिला आती है और इन्हें अभी तक के घरकुल नहीं मिला है। जैसा कि आप मेरे पीछे जो मकान देख रहे हैं और दर्शकों को अभी जो हमने फुटेज दिखा रहे हैं उसमें आप देख पा रहे हैं कि यह मकान गिरने की कगार पर है। जैसा कि इस मकान की चारों साइड की जो दीवारें हैं वो गिर चुकी है, गिर रही है और लगभग यह मकान गिरने की कगार पर खड़ा है। फिर भी यहाँ का जो सुस्त प्रशासन है, जहाँ यहाँ के जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच वगैरह है और मेंबर्स वगैरह है, उन्होंने भी इस घर का मुआयना किया है, देख चुके हैं वो लोग, लेकिन फिर भी आज तक के उन्हें घरकुल मंजूर नहीं किया गया है। जबकि वो अंत्योदय में, यानी बीपीएल रेशा से वो निचले रेशा में आते हैं, उनका आर्थिक उत्पन्न भी कम है और ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी उन्हें आज तक घरकुल नहीं दिया गया है। अब हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि उनसे आखिर क्या वजह है कि उन्हें यह घरकुल नहीं दिया जा रहा है। विधवा बाईले म्हणतात का प्रधान्य आहे म्हणतात, तर विधवा बाईले तर मग अजून मला घरकुल नाही भेटला ना कधीच, कारण सासऱ्याच्या राजार नाही भेटला, नवऱ्याच्या राजार नाही भेटला, ना आता पण नाही भेटला। जैसा कि इन्होंने अभी हमें बताया है कि यह इनके जो पति है उनका भी देहांत हो चुका है और ऐसी सिचुएशन में भी उन्हें आज तक के घरकुल नहीं दिया गया है। ऐसी कई अनगिनत मामले होते हैं जहां जिन्हें आवश्यकता है घरकुल की, उन्हें घरकुल गवर्नमेंट की ओर से नहीं दिया जाता है। और जबकि उन्होंने ही हमें बताया कि BDO और यहाँ के जो स्थानीय इंजीनियर है जो घरकुल का जो काम वगैरह देखते हैं, वो भी इस घर को देखकर आ चुके हैं और उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की हुई है कि इन्हें घरकुल की सख्त आवश्यकता है। बीटी सभा कर गेलो होतो ना, इंजीनियर पाठवला पडाची शक्यता आहे म्हणून पाहिला त्यानं, पण ते ग्रामसेवक ने म्हणला का तुम्हाला नाही भेटल म्हणला, कारण म्हणला का पक्का घर आहे म्हणला, त्यालाही सुद्धा दाखवलं मी ना। जैसा इन्होंने बताया कि इनका जो पक्का मकान है ऐसा कहा जा रहा है, एक्चुअली जो पक्का मकान है इनके पिता, इनके जो पति थे उनका देहांत होने के बाद जो LIC का जो कुछ पैसा मिला था उसी पैसों से इन्होंने वो घर का निर्माण किया हुआ है। पुराने घर को ही उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया था, लेकिन वो पूरी तरह से घर गिर चुका है। ऐसी सिचुएशन में भी वो लोग इस घर को, उन्हें घरकुल मंजूर नहीं करा रहे हैं। मैं निशांत भाई, कैमरामैन नीलेश पसीने के साथ। महिला कई दफा पंचायत विभाग के अपने मकान की समस्या को लेकर अधिकारियों से मिल चुकी है और पंचायत विभाग के चक्कर काट चुकी है, और ठीक कुछ इसी तरह इस मामले में ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। लगभग यह महिला कई दफा अपनी मकान की समस्या को लेकर इस इलाके के विधायक से भी मिल चुकी है। फिलहाल महाराष्ट्र राज्य में चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी है,
जिसके चलते कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भाजपा और कई अन्य दल पार्टियां जो अपने चुनाव के समीकरण बनाने में लगी है, लेकिन क्या नेता इन ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं को वाकई में न्याय दिला पा रहे हैं? ऐसे कई सवाल है जो इस क्षेत्र की जनता अपने नेताओं से पूछ रही है, लेकिन उसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या इस महिला को अपना पक्का मकान या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसे मकान मिल पाएगा? फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ।